हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कोकिला एक रोज किचन में खाना खाने जाती है तो वो देखती है कि रोटियां तो है लेकिन सब्जी कुछ नहीं है। ऐसे में कोकिला अपनी बहू रमा को बुला कर कहती है, बहू तूने रोटी तो बनाई है लेकिन लगता है सब्जी बनाना भूल गई है। माँ जी मैंने सब्जी भी बनाई थी लेकिन वह सुबह ही खत्म हो गई। चल कोई बात नहीं, मैं ऐसे ही खा लेती हूँ नमक के साथ रोटी। अरे माँ जी रुको रुको, आपकी बहू के होते हुए आप नमक रोटी कैसे खा सकती हो? अभी टमाटर और मिर्च की चटनी बना देती हूँ, टेस्टी सी। सही कह रही है बहू, चटनी के साथ तो रोटी खाई भी जाएगी, नमक रोटी तो मजबूरी में खा रही हूँ। ये कहकर रमा अपनी सास कोकिला के लिए चटनी बना देती है और उसे खाकर कोकिला भी अपना पेट भरती है। एक रोज कोकिला और रमा आंगन में बैठकर बातें कर रहे थे, तभी महेश उदास होकर घर आता है और कोकिला भी अपनी बेटी को उदास देखकर महेश को कहती है, क्या बात है बेटा, आज तेरा मुंह क्यों उतरा हुआ है? माँ एक तो गार्ड की नौकरी थी, वहाँ से भी निकाल दिया। क्यों, क्या हुआ ऐसा जो आपको नौकरी से निकाल दिया जी? अब घर का खर्चा चलाना तो मुश्किल हो जाएगा ना। देर रात थोड़ी सी आंख लग गई और वहाँ चोरी हो गई और मालिक ने चोरी का इल्जाम भी मुझ पर ही लगा दिया और कहा मैं तुम जैसे चोर को नौकरी पर नहीं रख सकता। जी ये तो बहुत गलत है, आजकल तो किसी के लिए भी कितना भी कर दो कोई किसी का नहीं है। आप लोग टेंशन ना लो, कहीं ना कहीं तो काम मिल ही जाएगा। महेश के कमाने से घर का सारा खर्च चलता था लेकिन अब महेश की नौकरी चली गई तो घर में दिक्कतें आने लगी। एक रोज महेश सुबह खाने के लिए बैठता है, वैसे ही रमा रोटी और नमक महेश को खाने के लिए देते हुए कहती है, आज तो कुछ सब्जी भी नहीं है जी, तो आपको आज यही खाना होगा। बहू कुछ भी नहीं है क्या घर में? जा जाकर महेश के लिए चटनी ही बना ले। हाँ माँ जी मुझे तो याद ही नहीं था। रमा अपनी सास कोकिला के कहने पर महेश के लिए चटनी बना कर लाती है, वो भी टमाटर की, जिसे खाने के बाद महेश रमा से कहता है, इतने दिनों में मैंने तुम्हारे हाथ की पहली बार चटनी खाई है, क्या चटनी बनाई है, वाकई मजा आ गया रमा। जी मेरे गांव में ना ज्यादातर लोग चटनी खाना ही पसंद करते थे। हाँ बेटा बहू तो चटनी सब्जी से भी अच्छी बना लेती है। सो तो है, माँ खाने का मजा भी चटनी में है। महेश की नौकरी को छूटे हुए एक महीने से ज्यादा हो चुका था और इन दिनों में कोकिला के घर सब्जी के पैसे ना होने की वजह से चटनी ही बनती थी, वो भी दिन रात। ऐसे में एक रोज कोकिला आंगन में बैठी हुई थी और वो अपनी बहू रमा को कहती है, बहू मैं तो कहती हूँ कि अभी महेश की नौकरी भी छूट गई है और तू हर तरह की चटनी बना लेती है, मेरी मान तू हर तरह की चटनी बना बना कर क्यों नहीं बेचती, महेश भी इसमें तेरा साथ दे देगा। माँ आप बिना कुछ भी बोलती हो। अरे तुझे क्या पता है, रमा की चटनी तो अब पूरे मोहल्ले में फेमस हो गई है, आस पड़ोस वाले भी चटनी मांग मांग कर ले जाते हैं। माँ जी आपने तो मेरी बनाई चटनी की ज्यादा ही तारीफ कर दी। जो चीज है ही तारीफ के लायक उसे भला अच्छी नहीं तो खराब बोलेंगे क्या। अपनी सास की बात मानकर अगले ही दिन रमा और महेश एक छोटी सी स्टॉल के साथ चटनी की दुकान खोलते हैं, जहां पर हर तरह की चटनी मिलती थी, टमाटर की चटनी, कच्चे आम की चटनी, अमरूद की चटनी, लहसुन प्याज की चटनी। हालांकि इस दुकान को खोलने के लिए रमा को अपना मंगलसूत्र बेचना पड़ जाता है। पहले दिन तो धंधा मंदा था लेकिन जैसे जैसे लोगों को पता चलता है हर कोई चटनी खरीदने आने लगता है। एक रोज कोकिला की पड़ोसन कल्लो चटनी लेने आती है और रमा से कहती है, कोकिला की बहू तूने तो कमाल ही कर दिया, गांव की होकर यहाँ चटनी की स्टॉल लगा ली है। एक मेरी बहू है, शहर की होते हुए भी किसी काम की नहीं है मेरी बहू। कोई नहीं आंटी जी, मेरी तो मजबूरी है तो करना पड़ रहा है, आपकी क्या मजबूरी है, घर में कई लोग है कमाने वाले। हाँ है तो, लेकिन वो भी बीमार रहते हैं। ऐसे ही धीरे धीरे रमा की चटनी की स्टॉल काफी फेमस हो जाती है, चटनी की सेल बढ़ जाती है, लेकिन ये देखकर कल्लो को जलन होने लगती है और वो एक रोज कोकिला से आकर कहती है, कोकिला तेरी दुकान तो चल पड़ी लेकिन बहू को घर से निकाल कर तूने सही नहीं किया। क्यों, क्या हुआ जो तू ऐसी बातें कर रही है? देखती नहीं, न जाने कैसे कैसे लोग आते हैं दुकान पर, तेरी बहू बिचारी कैसे रहती होगी, सही नहीं है ये। ऐसा तुझे लगता है कि ये सही नहीं है, लेकिन रमा के साथ महेश भी तो है ना? ठीक है पर किसकी कैसी नजर है कौन जानता है। तो तू कहना क्या चाहती है कि मेरी बहू में ही खराबी है? नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। दोनों की ऐसे ही बातें चलती है। देर शाम
जब रमा और महेश आते हैं तो कोकिला अपनी बहू से कहती है, कल से बहू तो दुकान पर नहीं जाएगी। क्यों माँ जी, क्या बात हुई है अचानक जो आप ऐसा कह रही हैं? हाँ माँ, कोई बात है क्या, मुझे बताओ। नहीं बहू, ऐसी कोई बात नहीं है, बस कल से तू दुकान पर नहीं जाएगी, महेश चला जाया करेगा अकेला। लेकिन माँ, मुझे थोड़ी ही चटनी बनानी आती है। मुझसे ज्यादा सवाल जवाब करने की जरूरत नहीं है, जितना कहा जाए उतना ही करा कर। ये बोलकर कोकिला अपने कमरे में चली जाती है, लेकिन महेश और रमा परेशान हो जाते हैं और महेश रमा से कहता है, आखिर ऐसी क्या बात हुई कि अचानक माँ ने दुकान पर तुम्हें जाने से मना कर दिया? न जाने माँ जी को क्या हुआ है, मुझे भी नहीं पता। कोई नहीं, कल तुम दुकान नहीं जाना, मैं माँ से पूछ लूंगा कि क्या बात है। कोकिला तो कल्लों की बात से रमा को दुकान नहीं जाने देने का मन बना लेती है, लेकिन वो ये बात किसी से कहती भी नहीं। और अगली सुबह रमा उठकर महेश को दुकान के लिए चटनियां बनाकर देती है, और महेश जैसे ही दुकान पर जाने लगता है, एक अनजान व्यक्ति कोकिला के घर आकर महेश को कहता है, सुनिए महेश जी का घर यही है क्या? जी मैं ही हूँ महेश, कहिए क्या काम है? जी मेरा नाम भंडारी है और मेरी एक कंपनी है जिसका नाम है आपकी रसोई, जिसमें चटनी और अचार बनते हैं। तो मैंने आपके यहाँ की चटनी का काफी नाम सुना है, तो क्या मैं चटनी टेस्ट करके देख सकता हूँ? जी आइए बैठिए। ये कहकर महेश रमा को चटनी लाने को कहता है, जिसे भंडारी टेस्ट करता है और कहता है, जी ये तो बेहद ही बढ़िया है, मैं इसे अपनी कंपनी का हिस्सा बनाना चाहूँगा। जी हमारी तो छोटी सी दुकान है, आपकी कंपनी तो बेहद ही बड़ी है। अरे आप तो सोच में पड़ गए, हमारी कंपनी आपकी पूरी सहायता करेगी, सिर्फ आपको बनाना है, सारा सामान भी हम देंगे और महीने का 40,000 रुपए भी हमारी कंपनी की तरफ से आपको मिल जाया करेगा। जी फिर तो बहुत अच्छी बात है ये। बल्कि हम तो ये भी नहीं कह रहे कि आप अपनी स्टॉल लगाना छोड़ दो, बस हमें अपने सामान की चटनी चाहिए, बदले में हम आपको हाथों हाथ पैसे दे दिया करेंगे। जी आपको कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा भंडारी जी। ये बातें हो जाने के बाद भंडारी तो वहाँ से चला जाता है, लेकिन कोकिला अपने बेटे से कहती है, हमारी तो किस्मत ही खुल गई मेरी बहू रमा की वजह से। लेकिन माँ उसी रमा को आपने दुकान जाने से रोक दिया। क्या बताऊँ बेटा, मुझे क्या लेना देना, कल्लो ने मेरे कान भर दिए थे और मैंने ऐसा कदम उठा लिया, मुझे माफ कर दे बेटा। माँ जी कोई नहीं, वो तो दुकान पर भी आई थी और मुझे भी कह रही थी कि क्या जरूरत है मेरी बहू को काम करने की, उसे कुछ आता ही नहीं है। हाँ उसकी वजह से मैंने तुझे घर में रहने की सलाह दी। कोकिला को अपने किए पर पछतावा तो होता है, लेकिन वो अपनी बहू रमा को दुकान जाने देती है और महेश की अपनी दुकान के साथ कंपनी से भी कांटेक्ट हो जाता है, जिसे देखकर कोकिला के आस पड़ोस वाले भी जलने लगते हैं। हालांकि रमा तो अपने काम में मगन थी, उसे किसी से क्या लेना देना, उसके साथ उसकी सास और पति जो थे। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।